अगर कांग्रेस चाहती है बीजेपी को रोकना, कांग्रेस चाहती है अगर मोदी को हराना, तो इनको बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा और इनको उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना होगा। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी माहौल बनाया गया था कि पीएम जो है बहन जी बनेंगी, लेकिन फिर क्या नतीजा रहा? नहीं, देखिए पिछली बार तो एक बहुत भारी चूक हो गई ना, क्योंकि इतना भारी षड्यंत्र हुआ बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध, बहन जी के विरुद्ध, जिसको कि हम लोग समझ नहीं पाए। जो 2019 का आखिरी जो सेशन था लोकसभा का, उसको आप निकालिए, माननीय मुलायम सिंह यादव उस समय जिंदा थे, उन्होंने कहा उसमें लोकसभा में कहा कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। ये उनका स्टेटमेंट है आखिरी लोकसभा सत्र का। और ये जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें जो समाजवादी पार्टी के करीब 30% यादवों ने वोट किया उसको बीजेपी को, और इन्होंने उससे बचने के लिए बहन कुमारी मायावती से समाजवादी पार्टी ने बड़ी मक्कारी से गठबंधन कर लिया और वो 5 सीटें भी वो आई हैं जो दलित और मुस्लिमों की जो बहुल इलाके हैं, जो यादवों के बहुल इलाके हैं, वहाँ से वोट नहीं मिला उसको भी समाजवादी पार्टी को। अगर ये समाजवादी पार्टी के लोग अगर ईमानदारी से वोट कर देते अगर गठबंधन को, तो आज ये बीजेपी 2019 में ही ख़त्म हो गई थी। ये उसी समय इनकी समाजवादी पार्टी और बीएसपी की मिला करके 50 से ज़्यादा सीटें आनी थी। और अगर बहन जी को अगर गठबंधन नहीं करते ये, तो बहन जी अपने बल पे 40 से 45 सीटें लाने वाली थी, बीजेपी को तभी परास्त कर दिया था। ये तो आंकड़े बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, मैं नहीं कह रहा हूँ। और जो समाजवादी पार्टी को जो 5 सीटें मिली वो बीएसपी की बदौलत मिली। लोग उल्टा प्रचार करते हैं, समाजवादी पार्टी का तो 30% वोट ऑन रिकॉर्ड वहाँ गया, बीजेपी के पक्ष में गया है। तो इसीलिए देखिए, बहन जी ने पहले भी बहन जी के साथ साजिश हुई, लेकिन बहन जी ने कहा कि हम अब तुम्हारी साजिश में नहीं आएंगे। कि प्रियंका मायावती से मिल रही है, क्या अटकलें हैं? देखिए पॉलिटिकल ये डे टू डे की ये दिनचर्या है। और जो पॉलिटिकल पार्टियाँ, देखो बहन जी एक बड़ी राजनेता है देश की और एक बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट करती हैं और तीसरी महाशक्ति पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनसे मिलना इनको अब जाना पड़ रहा है मजबूरी में। तो कोई भी, अभी तो राहुल गांधी जी भी जाएंगे, हो सकता है सोनिया गांधी जी भी उनको बुला लें, इनवाइट कर लें। अभी तो बड़े बड़े नेता जाने हैं। जिस तरीके से आकाश आनंद जी ने बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देश पे तेलंगाना से लेकर के और अब हरियाणा में भारी तादाद में पदयात्राएं करके हाहाकार मचाया है, तमाम नौजवान महिलाएं और बहुजन उनके पीछे ताकत से, बहुजन समाज पार्टी की शक्ति बड़ी है। तो ये तमाम ये जो इंडिया वाले हैं, ये जो पॉलिटिकल इंडिया वाले, इनके पैरों के जले जमीन खिसक गई। नहीं तो इनका पूरा, ये नरेंद्र मोदी का पूरा षड्यंत्र था कि इंडिया गठबंधन बना करके तीसरी बार भी चुना जाए। है कि मुस्लिम लीडर्स को भी शामिल नहीं किया गया है, क्या मुस्लिम मतदाताओं का कोई वो नहीं है? देखिए कांग्रेस ने ठेका ले रखा है दलितों का और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने का, और ये बात उन्होंने कही थी श्री गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहाँ बाबा साहब का विरोध किया। उन्होंने कहा अंबेडकर कहाँ से आ गया, इसका तो प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, और ये मुस्लिम कहाँ से आ गए, इनका प्रतिनिधित्व तो मुस्लिमों का, दलितों का कांग्रेस करती है। तो आज से नहीं, कांग्रेस तो बहुत पहले से ये कहती है अंग्रेजी टाइम से कि इस देश के दलितों का और मुस्लिमों के तो रिप्रेजेंट हमें नेतृत्व करता कांग्रेस है। इसी दम्भ में, अहंकार में ये भूल गए कि अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब दलितों के अपनी नेता आ गई है बहन कुमारी मायावती, अपना राजनीतिक दल आ गया है, और मुस्लिमों का माननीय ओबीसी साहब जैसे तमाम और जो दल हैं जो उन्होंने अपना बना लिया है वो आ गए हैं, शक्ति में आ गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस अब हवाई सपने देख रही है कि अंग्रेजी टाइम वाला अब दलितों के और मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन अब वो नहीं करती है, और ये बात इनको अब समझ आ गई, जल्दी समझ आ गई है। इसीलिए प्रियंका गांधी बहन कुमारी मायावती से मिलने गई हैं, और अभी ये उनके पास भी जाएंगे, ओबीसी साहब के पास भी जाएंगे, मगर अभी काफ़ी देर हो चुकी है। अब ये बहन कुमारी मायावती तीसरी शक्ति के रूप में जो SC ST OBC माइनॉरिटी का मोर्चा तैयार हो रहा है, और इन दोनों मनुवादियों को परास्त किया जाएगा, और इस देश में 78 साल बाद दलित प्रधानमंत्री इस नए संसद में शपथ लेगा 2024 में। घोषणा कर दी है मैंने, मुझे दिखाई दे रहा है, जमीन पे चल रहा है, 4 राज्यों में, तेलंगाना तो फुल प्लस BSP को आने वाला है, RS परवीन साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और उससे ऐसी स्थिति राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हो गई है। और आज कल से लेकर के वो उनका 8 दिन का दौरा आकाश आनंद जी का शुरू हो गया हरियाणा में, और हरियाणा में कल जिस तरह फरीदाबाद में नौजवानों की और BSP की जिस समय भारी तादाद में, हजारों की तादाद में जो पदयात्रा हुई है, उससे आंखें खोल देने वाली है। अभी तो उत्तर प्रदेश बाकी है, 10 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के, 1.5 करोड़ वोट है इलेक्शन कमीशन में। तो अभी तो पिक्चर
बाकी है। 50 सीटें उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती अपना जो है तीसरा मोर्चा है मुस्लिमों के उसमें गठबंधन में, ये इनको परास्त करेंगे, इन मनुवादियों के सपने चकनाचूर करेंगे, इस देश को बेचने के सपने, इस देश के संविधान को उजाड़ने के सपने इन मनुवादियों के तोड़े जाएंगे बहन कुमारी मायावती। लेकिन कहा यह भी जाता है कि ओवैसी जी हो बीएसपी हो ये चुनाव जो है वो लड़ने के मूड में नहीं रहती, जीतने के ये सिर्फ चुनाव लड़ते हैं और ये बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। देखिए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं जिताना चाहती या दमखम से लड़ती नहीं? देखिए ये जो मनु मीडिया है अर्थात ये जो गोदी मीडिया है, ये मीडिया उनके संघर्ष को उनके प्रचार को दिखाती नहीं है। वो छींक भी मारते हैं ना 5 आदमी लेकर के, वो छींक भी मारेंगे ऐसे दिखाएंगे और करोड़ों लोग आ गए, और हमारे करोड़ों लोगों को भी वो दिखाते ही नहीं है तो लोगों तक मैसेज कैसे जाएगा? वो तो भला वो सोशल मीडिया का यूट्यूब का ये फेसबुक का जिसके माध्यम से थोड़ा बहुत पता भी चल रहा है, नहीं तो पता ही नहीं चलता। अभी 2024 में एक राजनीतिक चमत्कार होना है, ये उलटफेर होना है, ये सारा का सारा बड़ा उलटफेर इस देश में 2024 में दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन सरकार बनाएगा। पर एक तरह से तो आप गठबंधन का सपोर्ट कर ही रहे हैं। नहीं नहीं देखिए गठबंधन हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, देखिए ये सिर्फ बेकार की बातें हैं। कोई पहली बात तो ये कि कोई भी विरोधी अपने विरोधी को कभी अच्छा नहीं बताएगा। क्या आरएसएस बीजेपी वाले ये प्रचार करेंगे? नहीं, बहन जी तो बहुत तगड़ी नेता है, वो तो उन्होंने तो यही कहलवा दिया ना कि ये तो हमारी बी टीम है और हमारे लोग भी झांसे में आगे बोल रहे हैं बी टीम है। अगर देखिए उपचुनाव में नहीं नहीं बी टीम का हम बी टीम है ही नहीं तो हम कैसे नुकसान करेंगे, किसी का फायदा कैसे करेंगे? हमारी अपनी राजनीति है, हमारी देश में इलेक्शन कमीशन में हमारी अलग पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, हमारी अपनी लड़ाई है। आप इंडिया गठबंधन को तो ऐसे तो कांग्रेस भी अंदर अंदर से है। देखिए कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों भाई भाई हैं। जो कांग्रेस ने निजीकरण की नीतियां लाए देश बेचने की, उसी से तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बेचा, उसी से तो मोदी जी बेच रहे हैं। तो ये जब दोनों भाई भाई हैं, नीतियां सेम है, तो भाई ये दोनों भाई भाई हुए या बहन जी इनकी बी टीम हुई? राष्ट्रीयकरण किया है बैंकों का, मोदी जी बेच रहे हैं। तो 1992 में कौन लेकर के आए थे नीतियां देश को बेचने की निजीकरण की? ये कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, वही तो लाए थे नरसिम्हा राव की सरकार में। चलो मान लिया उस समय गांधी परिवार नहीं था उस सरकार में, तो 2004 की सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की नेतृत्व में बनी उसमें सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता थी, उसमें ये जनरल सेक्रेटरी हमारे ये राहुल गांधी जी थे। तब इन्होंने देश क्यों बिकने दिया? तब उन्होंने उस सरकार ने क्यों कोयले की खदानें बेची? पूरा देश बेचा उसने मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस के नेतृत्व में सारा देश बेचा, प्राइवेट किया। तुम राष्ट्रीयकरण कर दिया तुमने एक बार ही, वो भी इंदिरा गांधी की सरकार ने, तो क्या फिर पूरा देश बेचोगे? पूरे देश को बेचने के तुमने जिम्मेदारी ले ली? ये बिल्कुल लाइन खिंच गई है और ये बिल्कुल समझ में आ गया है। अभी जिस तरीके से देखिए ये अविश्वास प्रस्ताव आया था पीछे मोदी सरकार के विरुद्ध जो आया था, उसमें जिस तरीके से ये राहुल गांधी को लेकर के आए ताबड़तोड़, उसको सदस्य बनाया और जो उन्होंने स्पीच की और उसको अविश्वास प्रस्ताव को गिराने में कांग्रेस के युवराज का ये इसका हाथ था, इनकी स्पीच में टोटल उसको क्लीन चिट दे दी, वो प्रस्ताव गिर गया। अभी देखो इन्होंने जिस तरीके से नूरा कुश्ती करी है इस आरक्षण बिल पर, महिला आरक्षण बिल पे कांग्रेस ने बीजेपी ने जिस तरह नूरा कुश्ती करी है, और लेकिन इसमें बहन कुमारी मायावती ने पहले ही इनके मंसूबों को समझते हुए इसमें आरक्षण बिल पे इनको बेनकाब कर दिया, महिला आरक्षण बिल पे। ये दोनों मनुवादी ये मिले जुले सरकारें ये किसी भी तरह से किसी बहुजन मूवमेंट को बहुजन शक्ति को स्वतंत्र रूप से आने नहीं देना चाहते, इसीलिए आधे SC ST के NDA ने लगा लिए, चाहे वो रामविलास पासवान का लड़का हो, चाहे वो अपने ये यहाँ के अपने रिपब्लिकन पार्टी के वो लोग हो रामदास अठावले हो, और चाहे उधर उधर चले जाओ तो लालू जी और अपना अखिलेश यादव ये सब स्टालिन ये कांग्रेस ने अपने पीछे लगा लिए। अरे भाई स्टालिन क्यों नहीं मांग रहा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? ये क्यों नहीं मांग रहा? ये लालू जी क्यों नहीं मांग रहे?